हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हमारे साथ इसी बीच शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे जी जुड़ गए हैं। संजय जी, आपकी जो नई शिक्षा नीति के प्रस्ताव है उनका स्वागत किया जा रहा है। दो शिक्षाविद हमारे साथ बैठे हुए हैं, लेकिन मेरा सवाल कुछ अलहदा है। और मेरा सवाल यह है कि जब यूपीए की सरकार थी तो विदेशी यूनिवर्सिटियों का विरोध करते थे आप, लेकिन अब वही कुछ आपकी नीतियों में भी। नमस्ते सर। बोलिए। और सर, अंग्रेजी का क्या होगा, ये कन्फ्यूजन भी दूर कर दीजिए। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है मातृभाषा में पांचवी तक की शिक्षा को लेकर। देखिए, हमारा कोई भी भाषा जो है, कोई भी भाषा को हमारा विरोध नहीं है, सभी भाषाओं का हम सम्मान करते हैं। लेकिन हमारे जो छोटे बच्चे हैं, एक तो कोई भी चीज समझने, खास करके पढ़ाई में, वो बात अगर उसको उसकी मातृभाषा में समझाई जाए वो जल्दी समझ जाता। इसलिए हमने इसमें ये किया हुआ है कि मातृभाषा है, जो रीजनल लैंग्वेज है, जो उसकी बोली भाषा है, उसको वहां पे प्रिफरेंस दिया जाए। ये नई शिक्षा नीति में इस तरह का प्रावधान हमने किया हुआ है। जी संजय जी, दरअसल इस नई शिक्षा नीति के बाद से तमाम लोग इसका इस्तकबाल कर रहे हैं, बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन कुछ भ्रम की स्थितियां भी पैदा हुई हैं। जैसे क्या जो अंग्रेजी मीडियम स्कूल है, क्या वहां पर भी इंग्लिश अब सिर्फ एक विषय की तरह होगी, या वहां पर उसका माध्यम पूरा बदल दिया जाएगा और हिंदी माध्यम से पढ़ाई होगी, या जो भी तमिलनाडु में तमिल माध्यम से होगी, आंध्र में आंध्र माध्यम से होगी, जो भी मातृभाषा हो उससे होगी, और इंग्लिश सिर्फ एक विषय की तरह रहेगी, ये क्या प्राइवेट स्कूलों के लिए भी अनिवार्य होगा? देखिए, किसी के ऊपर भी कोई चीज थोपी नहीं जाएंगी। इसलिए हमने जहां पे भी उसमें जैसी भी सुविधा होंगी उस तरह का मीडियम वहां पे पढ़ाने का रहेगा, क्योंकि ये तो हम पैसे, जिसकी इच्छा है इंग्लिश मीडियम में पढ़ने की वो तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकेगा, क्योंकि कुछ कुछ स्कूल जो है वो शुरुआत से उनका मीडियम इंग्लिश रहा है। तो इस तरह से कोई चीज किसी के ऊपर थोपी नहीं जाएंगी। ठीक है, मैं संजय जी आपसे एक बात और समझना चाहूंगी कि अब आपका ये एक बड़ा क्रेडिट है कि 32 साल बाद आप नई शिक्षा नीति लेकर आए हैं, लेकिन जब यूपीए की सरकार थी, 24 साल बाद आप लेके आए हैं जी, हाँ 34 साल बाद। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब यूपीए की सरकार थी तो कपिल सिब्बल ने, उस समय के शिक्षा मंत्री, उन्होंने बोर्ड के एग्जाम्स को स्क्रैप कर दिया था और उसकी जगह ग्रेडिंग सिस्टम आ गया था। आप जैसे ही सत्ता में आए तो आपने फिर से बोर्ड को इम्प्लीमेंट कर दिया। अब नई शिक्षा नीति में आप फिर बोर्ड के एग्जाम हटाने की बात कर रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि छात्रों को आपने एक कहा जाए कि एक एक्सपेरिमेंट का फील्ड बना लिया है? कभी बोर्ड एग्जाम होगा, कभी नहीं होगा, कभी ये कभी वो। नहीं नहीं मैडम, कोई भी एग्जाम हटाने की बात हम नहीं कर रहे। देखिए, हमारा जो अभी पैटर्न है कि बच्चे का, मतलब जो हमारे युवा है, हमारे जो विद्यार्थी है, हमारे जो बालक है, उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट कैसा होगा, क्योंकि अभी तक का पूरा स्ट्रेस जो ज्यादा से ज्यादा था वो एग्जाम के ऊपर था, वो जो परीक्षा देता था उसके ऊपर था कि उसको कितने नंबर मिले। लेकिन अभी सिर्फ वो जो हमारा जो पुस्तकी ज्ञान है उसके ऊपर हमारा रेस नहीं रहेगा, तो उसका सर्वांगीण विकास कैसा हो, उसका बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, जो लाइफ स्किल्स है, उसके लिए भी हम ये सोच रहे हैं कि उसके लिए भी कुछ प्रावधान किया जाए और बच्चे का एक कंटिन्यूअस उसका असेसमेंट होता रहे। क्योंकि सिर्फ किताबें पढ़ना और परीक्षा देना इतना ही हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे ये चीज नहीं आती। एक अच्छा स्वावलंबी नागरिक बनने के लिए और एक अच्छी लीडरशिप देने के लिए जो जो चीजें जरूरी है, जी वो सब चीजें हम सोच रहे हैं कि वो जब से स्कूल में जाएगा। और इसीलिए हमने जो प्राइमरी स्कूल का था वो हमने 3 साल के बाद में, अब उसकी, अब पहले भी वो व्यवस्था थी लेकिन पहले वो व्यवस्था इतनी सक्षम नहीं थी, हम उसको और सक्षम करना चाहते, क्योंकि उसका शारीरिक विकास हो, उसका मानसिक विकास हो, उसका बौद्धिक विकास हो, इसलिए सारी चीजें की हुई है। उसके कम्युनिकेशन स्किल अच्छे बने, उसको थोड़ा सा कुछ
वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह है उसका भी प्रावधान इसमें किया गया है, तो उसकी ऑलराउंड डेवलपमेंट करने के लिए हम कर रहे हैं। और परीक्षा जो है, परीक्षा के लिए कोई पर्याय नहीं रहता, क्योंकि जिसने परीक्षा नहीं दी वो फिर जीवन के परीक्षा में फेल हो जाता। जी बिल्कुल संजय जी, और ये इसको लेकर जिस तरीके से आप तमाम भ्रमों को दूर कर रहे हैं एबीपी न्यूज पर, एक और सवाल उठ रहा है लोगों की तरफ से। सवाल क्या, उनके दिमाग में एक प्रश्न है, कौतूहल है, उत्सुकता है कि क्या 12वीं की परीक्षा अब 18 साल की उम्र में पास करनी होगी? कुछ इस तरीके का उम्र की भी आपने सीमाएं रखी है जिससे बहुत ज्यादा दबाव ना बने? नहीं, अभी ये तो आज का नहीं है, ये तो आप कई साल से देख रहे होंगे इसमें था, उसमें थोड़ा सा उसका बाकी जो विकास हो जाता, खास करके उसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस न बढ़े इसके लिए क्या किया हुआ है। और ऐसा तो नहीं है कि वो पूरा 18 साल उसमें अलग अलग जगह उसके अलग अलग प्रावधान है, तो जनरली 5 या 5.25 साल की उम्र वो पूरी करने के बाद में वो पहली क्लास में जाएगा और 5 से 6 के बीच में वो अगले क्लास में जाएगा। ऐसे अलग अलग थोड़ा सा उसमें थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी भी है, तो एकदम ऐसा नहीं है कि वो 18 साल वाला ही रहेगा, वो थोड़ा सा कम ज्यादा भी उसमें हो सकता। और दूसरी एक चीज है कि एक बात हमने समझनी चाहिए, कोई भी जब नई चीज आती है उसमें थोड़ी बहुत समस्याएं तो पैदा होती, कोई भी नया बदलाव आ जाता है हमारी जो रोज की आदत रहती तो उसमें थोड़े से प्रॉब्लम तो होते, इसलिए कोई भी सडन चेंज जो है वो सिस्टम में आने के बाद में थोड़े से प्रॉब्लम होते, लेकिन बाद में वो चेंज जो है उसके कुछ फायदे भी रहते। कुछ समय के लिए तो ऐसी स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि ये बहुत सारे जो चेंजेस है जो नीति बनी तो कुछ चेंजेस है तो वो जल्दी से आएंगे, कुछ में अलग अलग जगह की जो स्थिति है उसमें थोड़ा सा जी कहीं पे शुरुआत जल्दी हो जाएंगी, तो ये सब बातें तो होंगी। ठीक है संजय जी, फीस रेगुलेट करने का भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो कि आम अभिभावक को, आम आदमी को बहुत उसके ऊपर असर डालता है। प्राइवेट स्कूलों की भी क्या फीस रेगुलेट की जाएगी? सरकारी स्कूलों में तो अभी भी इस समय भी काफी कम है वो फीस, उस पर क्या कदम होंगे आपका? नहीं, जैसा अभी भी एक प्रावधान है कि प्राइवेट स्कूल जो है उसमें 25% जो एडमिशन है वो लोअर इनकम ग्रुप वाले वगैरह, उसका प्रावधान अभी है। लेकिन आप देखते कि कोई चीज सिर्फ कोई कानून होना, कोई गाइडलाइंस होना और उसका अमल होना, इसमें बहुत फर्क है। तो हमने इसमें ये जो नई शिक्षा नीति बनी, जी संजय जी, संजय हमने एक चीज रखी हुई है कि इसका रेगुलेशन अच्छा से अच्छा हो। जी जी संजय जी, एक बात आपने कही कि ये बाध्यकारी नहीं होगा, किसी पर कुछ थोपा नहीं जाएगा, लेकिन कम से कम जो योजना आपने बनाई है, तो जैसे सीबीएसई बोर्ड जो सेंट्रल बोर्ड है कि वहां पर ये मातृभाषा में पढ़ाई वाला नियम अनिवार्यता आप लागू करेंगे, उसके बाद राज्यों से अनुरोध करेंगे, या क्या सोचा है वहां पर भी सीबीएसई बोर्ड के ऊपर ही छोड़ देंगे? मतलब राज्य कितने बाध्यकारी होंगे आपकी नीतियों को मानने के लिए, इन गाइडलाइंस को मानने के लिए? देखो, हमने आपसे जो कहा कि कोई भी चीज जो है वो थोपी नहीं जाएगी, क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, लेकिन आपने भी देखा होगा कि कोई भी सिस्टम जो है, जो चीजें अच्छी होती वो अपने आप सब जगह एक्सेप्ट की जाएगी। तो इसमें ऐसे ही हमने जो ये गाइडलाइन बनाई हुई है इसमें धीरे धीरे इसका कुछ जगह इसको जल्दी से लागू हो जाएंगी, कुछ जगह इसमें कुछ समस्या आएगी तो वहां पे थोड़ी देरी हो जाएगी, लेकिन आप सभी लोग एक चीज मानेंगे कि ये हमने जो कुछ भी किया उसका जो प्रभाव है वो आगे चल के बहुत ज्यादा, पर इसके सारे इफेक्ट जो है हमको 8-10 साल के बाद में इसके बहुत सारे इफेक्ट, करीब करीब 2030 तक हमको सारे इफेक्ट, इसके क्यूमुलेटिव इफेक्ट आपको दिखेंगे 8-10 साल में। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आपने एबीपी न्यूज के लिए समय निकाला और जो कंफ्यूजन है उसको आपने साफ किया। बहुत बहुत धन्यवाद।